सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक करने वाले हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये टॉपिक हमारे न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है और ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जून 2019 में कई क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी की। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है, समाज है, वो क्या है, उसका क्या मतलब है। ये हमें बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, समाज एक से अधिक लोगों का समुदाय है जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रिया करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। समाज लोगों का ऐसा समूह है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। अब देखिए, इसका हम सिंपल भाषा में मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाज जो है वो लोगों का समूह है जिसके अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं और सामाजिक क्रियाएं करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही कि समाज के अंदर क्या है कि लोग, इस तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की इच्छाओं को, भावनाओं को, आचरण को, विचार को, आइडिया को समझते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की थिंकिंग अलग होती है वो अलग रहते हैं। जैसे कि हम मान के चलते कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो गुंडे लोगों के साथ नहीं रहते, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग तरह का समाज हो सकता है। अब देखिए, जैसे पंजाबी जो लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि उनको इंडियन लोग मिल जाए। दूसरे देश में जाएंगे तो वो इंडियन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनकी भावनाओं को अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। ठीक है, और दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हर देश के अंदर भी काफ़ी तरह के समाज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि गुजरात के जो लोग होते हैं उनका रहन सहन अलग होता है, हरियाणा का अलग होता है, पंजाब का अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर बात ये आ रही है दोस्तों कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। ये हम टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, तो इसलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं। जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इसका अभिप्राय बहुल मात्रा में, भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगों या अधिक मात्रा में लोगों तक संचार माध्यम से सूचना या संदेश पहुंचाना है। देखिए, मास कम्युनिकेशन का सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या, चाहे वो बिखरी हुई हो, अलग अलग हो, जैसे कि कुछ लोग गांव में हो, कुछ शहर में हो, कुछ कस्बे में हो, कोई कहीं, कोई खेत में बैठा है, कोई घर पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, कोई ऑफिस में है, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये सभी के सभी लोग बिखरे हुए हैं। ठीक है, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर बैठा हुआ है।
तो इन सभी लोगों के पास में कोई संदेश पहुंचाना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लोग हैं, जो जनसंख्या वो बिखरी हुई हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, एक साथ इकट्ठी भी हो सकती है। जैसे कि हम जनसभा करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसके अंदर रैली के अंदर हज़ारों लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि मास कम्युनिकेशन का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचनाएं देना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और आगे हम देखते हैं, जन संचार में जन शब्द जन समूह भीड़ व जनता को बनाता है, परंतु वास्तव में इन तीनों के अर्थ भिन्न है। जन समूह तो समान हित मूल्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। भीड़ किसी स्थान विशेष पर आकस्मिक रूप से जमा होती है, जैसे किसी घटना घटित होने पर भावुक या तमाशबीन। अब देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो आता है जन समूह और एक आती है भीड़। इन दोनों में काफ़ी फर्क है। जन समूह वो होता है जिससे जिन लोगों का विचार एक जैसे हो, जो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हो। जैसे कि मैंने बताया कि एक रैली है, रैली के अंदर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं, तो वो क्यों इकट्ठा हुए होते हैं, वो नेता का भाषण सुनना चाहते हैं, उनके क्या विचार है, तो वो एक उनकी एक उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरी तरफ भीड़ क्या होती है, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, भीड़ भीड़ होती है। जैसे कि कोई लड़ाई हो जाए, लड़ाई देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाए, तो उनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता, वो बस वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। और एक चीज़ और मैं दोस्तों यहाँ पे बताऊँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे हमें कोई और चीज़ पता चले इसके अंदर जो पेपर में आने वाली हो, तो हम आगे भी करेंगे। जैसे अगर 2 महीने बाद में या महीने बाद में हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, तो इसमें वो करेंगे। और इसी तरीके से जैसे रिसर्च की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, वैसे तो हमने ये दोनों जो टॉपिक है कम्प्लीट कर लिए, लेकिन अगर फिर भी इनमें कोई टॉपिक रह जाता है या कोई और इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चलती है, तो वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम एक बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि जन संचार शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची, ये हमने बात बता दी। यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से लिया गया, जिसका अर्थ है टू मेक, टू कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, ठीक है। अर्थात सामान्यकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेषण, ये इसका मतलब है। ये चीज़ आप ध्यान में दे लेना, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आया है, आ चुका है, तो अब भी आने की संभावना है। और देखिए, कुछ संचार विशेषज्ञों का कहना कि संचार अर्थ का संप्रेषण है। अब देखिए, जो संचार है वो क्या है, हम किसी को बात समझाना चाह रहे, अर्थ का संप्रेषण है, यानी कि किसी को हम कुछ बात का अर्थ समझा रहे हैं। सामाजिक मान्यता का संचरण है या अनुभवों का बांटना है, ठीक है। तो हर जो थिंकर है उनकी अलग अलग सोच हो सकती है मास कम्युनिकेशन के बारे में। और आगे देखते दोस्तों, जन माध्यम कितने उपयोगी है। अब देखिए, जन माध्यम कितने उपयोगी है ये हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे कि कोई बात बतानी है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक एक व्यक्ति को जाके बताए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जन माध्यम यूज़ करते हैं, जन संचार का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं, वो TV पे भाषण देते, तो एक जगह वो भाषण देते, लेकिन उनको करोड़ों लोग एक साथ सुनते हैं। तो जो जन कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी तरीके से जो हमारा बात चल रही है कि हमारे UGC नेट के अंदर जन संचार का क्या मतलब है, उसका मतलब आएगा दोस्तों क्लासरूम कम्युनिकेशन के संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्लास के अंदर बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको अच्छे ढंग से जो क्या है कि अपनी बात समझाने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसमें आएगा ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, ठीक है। और तो इस तरह के क्वेश्चन वो घुमा फिरा के देंगे। तो
इस तरह से ये जो है मास कम्युनिकेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने हिंदी में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों कि जन संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, अब देखिए इसके लिए रेडियो हो सकता है, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें और आगे हैं। अभी जैसे इसके अंदर नई चीज़ें भी ऐड हुई है, जैसे कि यूट्यूब ऐड हुआ है, वेबसाइट ऐड हुई है, वेबिनार ऐड हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी कि नए नए ज़माने के अनुसार नई नई चीज़ें आ रही हैं। इन सभी के बारे में हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और आगे दोस्तों जनसंचार की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, देखिए इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जनसंचार के अंदर जैसे टीवी के ऊपर कोई एंकर है वो बोल रहा है, उसे अगर फीडबैक चाहिए तो वो जो फीडबैक है वो काफ़ी लेट आता है। और इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, इसमें हम जो भी बात कहते हैं वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं जो सभी के ऊपर लागू हो, हम ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के काम आने वाली बात हम नहीं कह सकते। संचारक और प्रापक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता जो बोल रहे और जो संदेश सुन रहे उसके बीच में। संचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वगैरह नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ सभ्य तरीके से हमें संचार करने की आवश्यकता है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं, अब देखिए द्वारपाल इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कहते हैं गेट कीपर कहते हैं, इसके बारे में हमने आगे इसी वीडियो में बताया है, उसमें आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आगे है जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना, सबसे ज़्यादा यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी को सूचना दे सके, इन्फॉर्मेशन देने के लिए जैसे टीवी पे न्यूज़ आती है। दूसरा है शिक्षित करना, शिक्षा देना, और तीसरा है मनोरंजन करना, फिर है निगरानी करना जैसे कि पुलिस वगैरह निगरानी करती है, और फिर एजेंडा तय करना, एजेंडा तय किया जाता है इलेक्शन के अंदर, अपनी कोई भी जो पार्टी है उसको किस तरीके से जिताना है, क्या लोग यानी कि क्या टैगलाइन देनी है किस तरीके से और उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाना, पूरा एजेंडा तैयार किया जाता है। विचार विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध करना, यानी कि विचार विमर्श करना तो उसके लिए हम एक सभा का गठन करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने अपने विचार देते हैं, तो जो जनसंचार के वो काफ़ी तरह के कार्य हो सकते हैं। और आगे दोस्तों जनसंचार माध्यमों का समाज में प्रभाव यानी कि सोसाइटी में क्या प्रभाव है ये हमें देखना ज़रूरी है। आज के संचार प्रसाधन समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, हमारे जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है, अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, ये देखिए ये हमारी सिंपल बातें लिखी हुई है कि जनसंचार क्या होता है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। अब देखिए जनसंचार का हमारे जीवन पे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर हम इसका एक सिंपल सा उदाहरण ले तो देखिए हम आज के टाइम में जो फिल्में देख रहे हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब देखिए फिल्मों के अंदर क्या नए नए फैशन बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि लड़के लड़कियाँ इस तरीके से करते, तो हम उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी गंदी चीज़ सीख जाते हैं, वो एक किस्म से है जनसंचार है, फिल्में जो है वो एक जनसंचार के अंदर आते हैं, तो उससे क्या है कि कई गंदी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं और जनसंचार के द्वारा हम काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। जैसे कि कई बार हमने न्यूज़पेपर देखे, न्यूज़पेपर के अंदर जैसे पंजाब केसरी वगैरह है और भी कई न्यूज़पेपर जिनके अंदर काफ़ी अडल्ट फ़ोटो भी आती, तो वो हमारे समाज के ऊपर काफ़ी गलत इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि हम केवल गलत चीज़ें ही सीखें, नहीं, हम अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं जनसंचार के द्वारा, जैसे कि हमारे जैसे YouTube पे आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, संदीप माहेश्वरी की आते हैं, विवेक बिंद्रा की आते हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, आगे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, और इससे क्या है कि हम कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे कि टीचिंग की वीडियो होती है तो वो हमारे कैरियर के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो जो जनसंचार है उसका हमारे समाज पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है और जो सूचनाएं प्रसारित कर रहा है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं।
और आगे दोस्तों हमारे पास अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और जो है वो मैं बता देता हूँ, गेट कीपिंग। अब देखिए गेट कीपर क्या होता है, गेट कीपर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को न्यूज़ बनानी है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के जो रिपोर्टर है वो अपने अपने न्यूज़ लेके आते हैं, इकट्ठा 10 न्यूज़ लेके आए, ठीक है। तो उसके बाद जो एडिटर होता है वो देखता है कि कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी गलत है, क्या हमें अखबार के अंदर देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, यानी कि वो पूरी छानबीन करते हैं, यानी कि वो फिल्टर करते हैं, गेट कीपिंग करते हैं। जैसे गेट कीपिंग का अब देखिए सिंपल भाषा में मैं बताऊँ, गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो एक द्वारपाल होता है यानी कि एक गेट के सामने जिस आदमी को बैठाया जाता है अपने घरों के अंदर या बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं उनके अंदर बैठाया जाता है, वो देखता है कि कौन सा व्यक्ति कोई गन वगैरह तो लेके नहीं गया है, कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, यानी कि वो निगरानी कर रहा है। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमारे मास कम्युनिकेशन के अंदर होती है, एक गेट कीपर होता है जिसे हम सामान्य भाषा में एडिटर कह सकते हैं, वो जितनी भी सूचनाएं आई हैं उन सभी सूचनाओं को देखते हैं, परखते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है, क्या है, तो उसके बाद में अब उनको फिल्टर करने के बाद में अच्छे से परखने के बाद आगे फिर वो पब्लिश होने के लिए भेजता है। इसी तरीके से यूएन उसके अंदर होता है, टीवी के अंदर होता है, तो अलग अलग जगह पर सभी जगह पर ये यूज़ किया जाता है। और इसमें से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें सेकंड पेपर में आए हैं दोस्तों, पेपर फर्स्ट में तो नहीं आए लेकिन फिर भी इसमें संभावना है अब की बार आने की, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मास मीडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक, और अगर इसमें से कोई और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है तो हम उस पर आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हमने इसको एक बेसिक चीज़ हमने समझा है मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या होती है। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।